मंगलवार की सुबह एक साथ कई राज्यों में एनआईए ने गैंगस्टर के टेरर फंडिंग से जुड़े होने के मामले में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि एनआईए की ओर से की गई छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के 70 से अधिक ठिकानों पर चल रही है। एनआईए की ओर से छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर की गई है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में हो रही छापेमारी, एनआईए की टीम की ओर से छापेमारी की कार्रवाई सबसे ज्यादा पंजाब के 30 ठिकानों पर की जा रही है। इसके पहले भी जांच एजेंसी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। गुजरात में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई की करीबी कुलविंदर के गांधीधाम स्थित परिसर में हुई है। कुलविंदर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का साथ देने का आरोप है। कुलविंदर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ है। इसको आधार बनाकर एनआईए की ओर से एक बार फिर से गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यूपी के पीलीभीत प्रतापगढ़ में एनआईए की छापेमारी, यूपी के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में एनआईए की टीम डेरे डाले हुए है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पीलीभीत में एनआईए की टीम सुबह 5 बजे पहुंच गई थी, जहां दिलभाग सिंह नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की। दिलभाग सिंह पंजाब के रहने वाला है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी हथियार सप्लायर्स को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम अभी भी यहां डेरे डाले हुए है। कई चर्चित गैंगस्टर एनआईए के रडार पर। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक साथ देश के 8 राज्यों में छापेमारी कर सभी को चौंका दिया है। हालांकि एनआईए का ये एक्शन लगातार जारी है। एनआईए के रडार पर कई गैंगस्टर हैं, जिनमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बबाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड पहले से ही एनआईए के रडार पर हैं। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में एनआईए कई बार गैंगस्टर से पूछताछ कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में एनआईए ने उत्तर भारत और दिल्ली में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें एजेंसी ने गैंगस्टर और वकील को गिरफ्तार किया था। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा संबंधी मामलों और बढ़ रहे टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कई बार सुरक्षा से जुड़े हुए कई अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरोहों को सामान्य अपराधी नहीं बल्कि आतंक के आरोपी मानने का निर्देश जारी किया गया था। पीर लांडा के ठिकानों पर छापेमारी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कनाडा में बैठकर आतंक फैला रहे लखवीर लांडा के ठिकानों पर छापेमारी की है। लखवीर लांडा को एनआईए ने कुछ दिनों पहले आतंकी घोषित किया था। इसके बाद से उसके करीबियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। लखवीर लांडा के तरनतारन, फिरोजपुर और मालवा के कुछ ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। 15 फरवरी को एनआईए ने गैंगस्टर से आतंकवादी बने लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 15 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की थी, जो पंजाब में कई आतंकी मामलों में वांटेड है। पंजाब के तरनतारन का रहने वाला लखवीर लांडा फरार चल रहा है। साल 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर ग्रेनेड हमले से जुड़े एक मामले में लखवीर लांडा सुरक्षा एजेंसियों की ओर से वांटेड घोषित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सीटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।